गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर से आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। और जैसा कि जानते हैं, मैं छोटे बच्चों को क्लासेस दे रही हूँ इन दिनों में। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्लासेस की बहुत ज़रूरत है। नए नए सब्जेक्ट को लेते हैं, नए नए टॉपिक्स आते हैं उनके पास, और जो उन्हें बेचैनी होती है कि क्या होगा, संस्कृत नया सब्जेक्ट है, हम कितने मार्क्स ले पाएंगे, हमको समझ आएगा या नहीं आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं छोटी छोटी बातों को आपसे डिस्कस कर रही हूँ और छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चंस को सामने लेकर आ रही हूँ। राइट, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा है लिंग का। राइट, और जो लिंग कार्यम है वो लिंग में मैंने पहले आपके पास वीडियो डाली हुई है जिसमें बताया है कि हमारे पास संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग, है ना, और दूसरा होता है हमारे पास स्त्रीलिंग, और तीसरा हमारा नया लिंग इसी साल आप सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में हमारे पास दो ही लिंग होते हैं और हमारे पास संस्कृत में आकर के तीन लिंग बन जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, एक एक को मैं डिस्कस करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या आपको देखना है और कैसे पहचानना है कि ये शब्द जो है पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का, और ये नपुंसक लिंग का है। तो चलिए सबसे पहले हम लिंग पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आती हूँ ये पुल्लिंग, और आप ये सभी जानते हैं पुल्लिंग की सबसे बड़ी पहचान। बच्चों, संस्कृत में आप कैसे पहचानोगे क्या होता है पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? मूल शब्द के साथ विसर्ग, ये चिन्ह है, इसका ये चिन्ह है, और विसर्ग लगे होते हैं। मूल शब्द के साथ विसर्ग लगे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं, आपको बोलते हैं मूल शब्द, जैसे काक। काक माने क्या होता है? कौवा। अब काक कौवा पुल्लिंग है तो मूल शब्द के साथ विसर्ग लगे होंगे तो इसको बोलेंगे काक कहा, है ना। तो हम बोलते हैं कपि, कपि माना क्या होता है? बंदर, और इसके पीछे विसर्ग लगे होते हैं। राइट, हम बोलते हैं गुरु, और गुरु जो है ये पुल्लिंग है, इसके पीछे विसर्ग लगे होंगे। यानी सबसे बड़ी पहचान पुल्लिंग की संस्कृत में, सबसे बड़ी पहचान ये होती है बच्चों कि उसके पीछे विसर्ग लगे होते हैं। और जब हम संस्कृत में पुल्लिंग शब्द को बोलते हैं तो बोला जाता है काकह, क्योंकि मैंने आपको बताया है बच्चों कि विसर्ग की साउंड कैसी निकलती है, ह की। काकह, कपिहि, गुरुहु। राइट, एक तो ये पहचान होती है। अब दूसरी नंबर क्या पहचान होती है, हम उसे भी समझ लेते हैं। जिन हिंदी शब्दों के अंत में अ, इ या उ स्वर होते हैं उनको भी पुल्लिंग के अंतर्गत लाया जाता है। राइट, अब देखिए ये हिंदी के शब्द हैं, है ना, और आपने हिंदी में सीखा है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इट मीन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक नपुंसक लिंग बना है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से ही तो निकल करके वो नपुंसक लिंग में जाएंगे। राइट, तो इसलिए हो सकता है आपके पास जो शब्द आए, हिंदी के शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग भी होते हैं, हो सकते हैं। मैं आपको पहचान बताऊंगी कि हिंदी के कौन से शब्द पुल्लिंग और कौन से शब्द नपुंसक लिंग में जाते हैं। जैसे हमने आपको बोला ये अ, ई और उ। अब एक एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों आपको, ये मैं देती हूँ। जैसे आपको मैंने दिया काक, है ना, काक का ऊपर दिया है मैंने, काक पुल्लिंग है जैसा मैंने बताया, लेकिन जल ये पुल्लिंग नहीं है। इसके नीचे, इसके पीछे भी तो आ रहा है ना, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है? नपुंसक। इसको तब आगे मैं समझाऊंगी कि किस प्रकार से ये जो जल है वो नपुंसक लिंग है और किस प्रकार से कौवा जो है, काका जो है पुल्लिंग है। वैसे जिन हिंदी शब्दों के अंत में अ, ई और उ के स्वर होते हैं उनको, वो ज़्यादातर पुल्लिंग में लिए जाते हैं, या वो उनको भी पुल्लिंग में लिया जाता है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ अ के, एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाती हूँ अ के पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। जैसे आपको वृक्ष, आपका विद्यालय, राइट, और बहुत सारे शब्द होते हैं। आप बताइए बच्चों, अ वाले कोई भी शब्द लेके सामने आइए हमारे पास,
सिंह, राइट, आपका बक मयूर है ना, और आपके पास जैसे हम बोले बालक है, ओके, तो ये सारे पुल्लिंग है और आपने देखा ये सारे अकारांत है। आपको मैंने वर्ण विभाजन की वीडियो डाली हुई है, अगर आपको वो देखने हैं कि इसके अंत में अ है, कैसे अ है, वो आपको पूरा डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आई बटन के द्वारा आप मेरे उस वर्ण विन्यास वाली क्लास तक जा सकते हैं, वीडियो तक जा सकते हैं, राइट। इसके अंत में अ है, इधर अंत में अ है, तो विसर्ग आएंगे, सब के अंत में अ है, ओके। और सब के अंत में जिसमें ई होता है, जो मैंने आपका ऊपर ई लिखा है, जिसके अंत में ई होता है वो ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम बोले कपहे, कवि, और जैसे और बताइए कौन से हो सकते हैं, जो भी होते हैं मुने ही ना, ये सारे हमारे क्या हैं, पुल्लिंग है, क्योंकि ये इसके पीछे अंत में ई आया है। और हम आगे बोलते हैं ऊ के हमारे पास कौन से होते हैं, ऊ के जैसे हम कहें गुरु, साधु हो, और इसके बाद हम शिष्य हो, ये हमारे सारे जो है शब्द जो हैं पुल्लिंग के हैं ना, जिसके अंत में अ आता है और जिसके अंत में ई आता है, जिसके अंत में ऊ आता है, शब्द के अंत में, वो हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। कहाँ नपुंसकलिंग होते हैं वो मैं जब आपको नपुंसकलिंग सिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि इन ये नपुंसकलिंग में जाते हैं अ ई और ऊ वाले हैं, लेकिन नपुंसकलिंग में, वो जब नपुंसकलिंग सिखाऊंगी आपको तब मैं बताऊंगी। अब हमारे पास देखो बच्चों, ये हमने क्या सीखा, पुल्लिंग का। पुल्लिंग में हमने आपको समझाया ये पुल्लिंग है, यहाँ लिख देती हूँ। और अब हम दूसरी चीज क्या सीखते हैं, दूसरा नियम हमारे पास क्या आता है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान हमारे पास क्या होती है, स्त्रीलिंग की पहचान होती है बच्चों अंत में, शब्द के अंत में आ ई और बड़ा ऊ होता है, एक तो ये पहचान होती है। दूसरी पहचान क्या होती है, शब्द के अंत में विसर्ग या हलंत जैसा कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है, ठीक है, ये दो पहचान, इसकी दो पहचान है। अब हम जैसे सपोज हम बात करते हैं आ वाले हम शब्द लेते हैं, जैसे शाखा, राधा, बालिका, और हम जैसे करें वाटिका, राइट, ये आ वाले स्त्रीलिंग के शब्द है। और बड़ी ई वाले कौन से शब्द होते हैं, बड़ी ई वाले हमारे शब्द जैसे होते हैं भगिनी, है ना, और हम बोले जैसे जननी और गौरी, ये सारे शब्द हमारे जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी तरह से बड़े ऊ के कौन से शब्द आते हैं, जैसे वधु, ऊ वाले, जैसे जैसे शब्द हमारे पास आते जाएंगे हम आपको समझाते जाएंगे, जब भी हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है बच्चों या ये पुल्लिंग है, ओके। अब हम तीसरा हमारे पास आता है नपुंसकलिंग। अब आप कहेंगे ये नपुंसकलिंग, जब नपुंसकलिंग है तो हिंदी में ये क्या होते थे, हिंदी में ये कहाँ जाते थे, हिंदी में ये बहुत जगह पर स्त्रीलिंग में जाते हैं और बहुत जगह पर जो है हमारे पुल्लिंग में जाते हैं। तो अब आप देखो, एक ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए आपको यहाँ सबसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए, ये काकह पुल्लिंग है और जल नपुंसकलिंग है, लेकिन दोनों में अंत में अ की मात्रा है, राइट। अब और पहचानने के लिए हम चलते हैं आगे, नपुंसकलिंग में हम पहचानते हैं। अब जैसे जलम, ये नपुंसकलिंग है, जलम है, वायुयानम, जलयानम। अब आप देख रहे हो मूल शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हो बच्चों, ये म, जल मूल शब्द है, म जुड़ा हुआ है, वायुयान मूल शब्द है, म जुड़ा हुआ है, तो मूल शब्द के साथ अंत में म लगा होता है, ओके। अब ये देखो, अब आप ये पहचानो, ये जल है, वायुयान है, जलयान है, सब में अंत में अ है, लेकिन इसमें म लगा हुआ है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये नपुंसकलिंग है, ओके। आगे बात समझ में, तो जैसे मुखम है, आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो शब्द नपुंसकलिंग में जा रहे हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में जा रहे हैं और कौन से शब्द आपके पुल्लिंग में जा रहे हैं। ये तो इसकी मेन पहचान होती है बच्चों। और सबसे आपकी जो नपुंसकलिंग, वो कौन से शब्द होते हैं, जो शब्द, एक तो हमारा ये नियम, दूसरा हमारे पास नियम आता है कि ये ज़्यादातर जो होते हैं, जो दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रयोग, जो शब्द दोनों
कौन कौन से दोनों हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग आते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। आपने देखा बच्चों, ये देखो, आप देख रहे हो जैसे जल है, दोनों प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग भी करता है और स्त्रीलिंग भी प्रयोग करता है। नेत्र है, दोनों के प्रयोग में आते हैं तो वो आपका नपुंसक लिंग कहलाता है ना। और जैसे आपका है उद्यानम, बगीचा, है ना, ये आपके मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ म जुड़ा होता है इसलिए वो पुल्लिंग में आते हैं। अब ये बात हुई आपके संस्कृत के शब्दों की, है ना। अब आप देख रहे हो ये हमारे संस्कृत के शब्द है और हमने इन्हें पहचाना कि ये किस तरह से पुल्लिंग में जा रहे हैं और किस तरीके से स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। पर बच्चों, जब आपको कोई शब्द पूछा जाए कि ये हिंदी का शब्द है, अब आप बताइए कि ये संस्कृत में पुल्लिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा। वृक्ष है, विद्यालय है, है ना, गुरु है, साधु है, शाखा है, बालिका है, भगनी है, जननी है, गौरी है, जो भी शब्द है वो आप कैसे पहचानोगे? ये संस्कृत के बने हुए तो आप पहचान जाओगे। विसर्ग है, इट मीन्स वो पुल्लिंग है, है ना, ई छोटी ई की मात्रा है, पुल्लिंग है, और साथ में विसर्ग लगे हुए हैं, पुल्लिंग है। पर अगर आपके पास हिंदी का शब्द आता है और उसे कहा जाता है कि अब ये बताइए कि आपका कौन सा है, एक तो उसकी ये आपका शब्द किस में डालोगे। अब एक तो सबसे बड़ी पहचान है पीछे के स्वर। अब आप देखिए बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, एक आपके सामने बहुत जितने छोटे स्वर होते हैं जैसे अ, ई और उ, ये देखिए आपके जितने छोटे स्वर हैं अ, ई और उ, ये पुल्लिंग में जाते हैं। जो बड़े स्वर हैं जैसे आ, ई और उ, ये स्त्रीलिंग में जाते हैं। और नपुंसक लिंग में हमारे वो शब्द आते हैं, नपुंसक लिंग में हिंदी से संस्कृत बनाते समय हमारे पास वो शब्द आते हैं जो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही प्रयोग में करते हैं या दोनों का ही उनके साथ संबंध रहता है, तो वो नपुंसक लिंग में जाते हैं। और एक और सरल सा आपको तरीका बताऊं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, जो कोमल चीज़ें होती हैं वो स्त्रीलिंग में जाते हैं, जो हार्ड चीज़ें होती हैं, जो टफ चीज़ें होती है वो पुल्लिंग में जाती है। जैसे पर्वत है, ये आपका पुल्लिंग में जाएगा, है ना। तो मैंने बहुत कोशिश की है बच्चों, छोटे छोटे बच्चे आप पहचानिए कि लिंग किस तरह से हम पहचानेंगे और लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या फर्क है और कैसे कैसे कौन कौन से स्वर वाले अंत के अंतिम स्वर वाले शब्द के अंत में जो स्वर आता है वो पुल्लिंग में जाते हैं और कौन से स्वर अंत में जो आते हैं वो स्त्रीलिंग में जाते हैं और किस तरीके से म जब आता है तो हम नपुंसक लिंग में लेते हैं, राइट। तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर क्लोज करती हूँ। लगभग लिंग की क्लास है, आपको समझ आ गए होंगे और मैं बहुत जल्दी आपकी और क्लास लेकर, जो इसके बाद वचन है ना, आपको एक टॉपिक लेकर आऊँगी वचन, फिर वो मैं आपको सिखाऊंगी। और चलते चलते आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास जब तक आए तब तक के लिए गुड बाय।